हम लोगों ने ये तय कर रखा है कि सॉइल फर्टिलिटी के लिए हम लोग हरी खाद का प्रयोग ज़रूर करेंगे। हरी खाद में हम लोग बाजरा, बरबटी और सन, जिसको हम बोरू कहते हैं, तो बोरू या ढेंचा, इसमें से इस प्रकार के तीनों को मिला के 4 किलो बाजरा, 6 किलो बरबटी और 15 किलो बोरू या ढेंचा, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अभी ये दिखा है ग्राफ आपको, ये 40 दिन का है, 50 दिन के बाद इसको फिर हम लोग हार्वेस्टिंग कर लेंगे, इसको काट के वहीं मल्च कर देंगे। वो मल्च फिर हम रोटावेटर से ज़मीन में मिला देते हैं, तो वहाँ की फर्टिलिटी एक साथ मेंटेन हो जाती है। करीब 1 स्क्वायर फीट पे 1 किलो अगर बायोमास हमारा, जब तक सूखा वहाँ बायोमास तैयार हो जाएगा, तो हम ये हमारा इंडिकेटर होता है कि वो वहाँ पे ऑर्गेनिक 1% डेवलप हो गया है। तो हमने 0.4 से इस तरह से बायोमास का यूज़ करते करते विगत 3-4 वर्षों में हमने 1.8 तक इसके ऑर्गेनिक कार्बन को पहुंचा दिया है। यानी आप सोचिए कि प्रति वर्ष उतना सूखा बायोमास हम ज़मीन में मिला रहे हैं, उस क्रम से उसका वो ऑर्गेनिक कार्बन डेवलप होता है। तो ये ऑर्गेनिक कार्बन डेवलप करने की हमारी एक तकनीक है, लेकिन ये तकनीक हमने इसका इस्तेमाल किया तो हमें पैसा नहीं मिलेगा, ये बात नहीं है। हमने इसको तुअर के साथ जोड़ा है, आप देख रहे हो ये तुअर लगाई है, ये तुअर की लाइन। अब ये जब हार्वेस्ट हो जाएगा, ये खाद में कन्वर्ट होगा, तो क्या होगा, वहाँ पे नमी भी बनी रहेगी और वो नमी के वजह से वहाँ पे हमको इरिगेशन करने की ज़रूरत नहीं आएगी, इसकी भी पैदावार अच्छी मिलेगी। इसमें हम जो बड़ा गैप रह जाता है उसमें फिर धनिया बोते हैं या फिर ककड़ी लगाते हैं। अभी ये हमने जून महीने में लगाया, ये जून जुलाई अगस्त के 15 अगस्त के लगभग इसमें हम ककड़ी लगा देते हैं, तो बीच में एक ककड़ी की लाइन होती है, तो हमें धनिया भी ले सकते हैं, ककड़ी की भी फसल ले सकते हैं। इस तरह से इसमें दूसरी फसलों का भी उपज हम इसके साथ में कर लेते हैं। लेकिन अभी हम लोग इसके साथ गन्ने को भी जोड़ रहे हैं, तो अभी हमने 2 लाइन तुअर की, 3 लाइन इसकी लगाई, इसी में हम गन्ना लगाने जा रहे हैं।